ये वीडियो मैंने बनाया है डिसीजन के टॉपिक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के ऊपर। इसके पहले दो वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है, इसको भी मैं उसमें डिस्कस करने जा रहा हूं। तो नाम से क्लियर है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करते थे या वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, यानी वो प्योरली मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल था। लेकिन ये डिजिटल सिग्नल इसमें यूज किया जाता है, पहला डिफरेंस दोनों में। दूसरा क्या है कि जनरली जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है वो यूज किया जाता है रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन के लिए, इसको बेसिकली यूज किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए में कम्युनिकेशन करने के लिए। बेसिकली ये यूज करते हैं सर्विस प्रोवाइडर साइड, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट पे या किसी नेटवर्क पर। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में जो टोटल बैंड विड्थ है उसको डिवाइड किया जाता था लॉजिकल चैनल्स में डिवाइड किया जाता था। लेकिन इसमें जो ट्रांसमिशन अवेलेबल टाइम है उसको डिवाइड करेंगे यूजर के बीच, उसमें बैंडविड्थ जो कैपेसिटी था मीडिया का या लिंक का उसको डिवाइड किया जाता था। अगर हम उसको 5 लॉजिकल चैनल में अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एट ए टाइम 5 यूजर अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो अवेलेबल टाइम है उसको डिवाइड करेंगे। हाँ, देयर इज ओनली 1 लॉजिकल चैनल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखे होंगे एक से ज्यादा चैनल होते थे, अगर n चैनल है तो n नंबर ऑफ चैनल होंगे, यानी n का वैल्यू 5, 10 जो भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अवेलेबल टाइम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टाइम स्लॉट में, या देखिए बर्स्ट या लिखे, यानी इसका मतलब है एक पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर। जैसे 5 मिनट का स्लॉट अगर हम बना दिए और 5 यूजर है, पहला यूजर 5 अगर मान लिया टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन अगर हम मान लेते हैं 5 सेकंड, तो फर्स्ट यूजर 5 सेकंड के लिए अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद सेकंड यूजर, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूजर, फिर अगेन क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा फर्स्ट यूजर यूज करेगा। इसी तरह से अब डाटा ट्रांसमिट होगा। और उसमें देखिए, उसमें सब डाटा जितना भी यूजर है सबका डाटा एक साथ ट्रांसमिट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सब यूजर का डाटा एट ए टाइम ट्रांसमिट नहीं होता है। इसमें ऑल द डाटा सिग्नल्स आर ऑपरेटेड विद द सेम फ्रीक्वेंसी। उसमें जितना भी डाटा सिग्नल था वो डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी में के ऊपर ऑपरेट करते थे, लेकिन सेम टाइम में। इसमें क्या है, ऑपरेटेड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट टाइम्स। दीज आर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन। तो आप डिफरेंस के तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के किस तरह से डिफरेंट सोर्स से आने वाला डाटा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो ये टाइम स्लॉट, इसमें डाटा ट्रांसमिट होगा,
तो हर सोर्स से जो डाटा आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बाइट्स में। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट डाटा सोर्स से 100 बाइट्स का कोई इंफॉर्मेशन या डाटा को ट्रांसमिट करना है। 100 बाइट्स का जो डाटा ट्रांसमिट करना है, सपोज मान लेते हैं कि यहां जो टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में सिर्फ 10 बाइट्स ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक टाइम स्लॉट में। तो फर्स्ट सोर्स से कितना डाटा आया है, डाटा जो आया जिसको ट्रांसमिट करना है 100 बाइट्स का है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 100 बाइट डिवाइड हो जाएगा 10 में स्लॉट, यानी 10 स्लॉट में इसका डाटा को हमको ट्रांसमिट करना है। उसी तरह से इसका इसको भी ये भी क्या कर सकता है, 10 बाइट एट ए टाइम करके अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, एंड सो ऑन। ये इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, पहले वन नंबर सोर्स का डाटा ट्रांसमिट हुआ, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, एंड सो ऑन एन एन। उसके बाद फिर घूम के आया, फर्स्ट का डाटा ट्रांसमिट हुआ, सेकंड का ट्रांसमिट हुआ, एंड सो ऑन इन एन हुआ। इसका मतलब है कि ये जो टाइम स्लॉट है ये क्या है, फॉर, ये फॉर किसके लिए है, डाटा सिग्नल फ्रॉम सोर्स वन, ए हुआ, ए फ्रॉम सोर्स टू हुआ, सो ऑन। ये क्या होगा, इस स्लॉट में, टाइम स्लॉट में किसका डाटा ट्रांसमिट होगा, एनएथ वाले का। इस तरह से डाटा इसमें ट्रांसमिट होगा, यानी टाइम को डिवीजन किया गया और राउंड रॉबिन के मतलब एक सर्किल में आपका क्या आएगा, हर एक का टर्न आएगा, पहले इसका टर्न, फिर इसका, फिर सो ऑन, इसका सबका, एनएथ का आएगा, फिर वन का टर्न आएगा, इसी तरह से डाटा ट्रांसमिट। इसके लिए क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, बफर यूज किया जाता है। क्या होता है, हर सोर्स के लिए एक बफर अलॉट किया जाता है, जहां पर ही उसका डाटा वेट करता है जब तक कि उसको टाइम नहीं मिलेगा उसका डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। ये डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये वर्क करता है सिंपली। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दो तरह का होता है, एक को सिंक्रोनाइज्ड डाटा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बोलते हैं, दूसरे को एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक बोला जाता है, जिसको हम स्टैटिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे वन बाई वन करके कि क्या क्या फीचर्स है सिंक्रोनाइज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में। तो ये हुआ सिंक्रोनाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। इसमें देखिए ईच टाइम स्लॉट इज प्री असाइंड, अगर पांच यूजर है, पांचों यूजर को मान लेते हैं 10 सेकंड का हम टाइम स्लॉट अलॉट कर दिए हैं, तो पहले फर्स्ट यूजर अपना डाटा को ट्रांसमिट करेगा, फिर सेकंड ट्रांसमिट करेगा, फिर थर्ड करेगा, फिर फोर्थ करेगा, फिर फिफ्थ करेगा, उसके बाद फिर फर्स्ट में आएगा। सपोज उस वक्त जो फर्स्ट सोर्स है उसके पास डाटा नहीं है ट्रांसमिट करने का, तो उस टाइम स्लॉट में जो डाटा ट्रांसमिट होगा इनकी डाटा ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब है कि उस टाइम में जो टाइम है वो आपका लॉस हो जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा, लॉस होगा, इसलिए इसको बोला प्री असाइंड। सिंक्रोनाइज का मतलब है पहले से हम फिक्स कर दिए हैं कौन सा सोर्स किस वक्त अपने डाटा को ट्रांसमिट करेगा, जैसे ही उस सोर्स का टर्न आएगा उसके पास डाटा है या नहीं है, अगर डाटा है तो ट्रांसमिट करेगा, डाटा नहीं है तो उसका उस टाइम में कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड के पास जाएगा, सेकंड सोर्स का टर्न आएगा, वो अपने डाटा को ट्रांसमिट करेगा। इसलिए ईच सोर्स इज गिवन सम टाइम स्लॉट इज रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट हैव द डाटा और नॉट टू
प्रोसेसर में इसके पास डाटा है या नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। सिग्नल आर सेंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, इसमें क्या होता है डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रेम्स के फॉर्म में। इफ ए सोर्स डज नॉट हैव डाटा, डाटा नहीं रहेगा, फॉर इट एम्प्टी स्लॉट इज ट्रांसमिटेड, उसके लिए क्या हो जाएगा कि एम्प्टी स्लॉट क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टाइम है वो आपका वेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसका मैं एग्जांपल भी आप लोगों सामने लिया हूं सिंक्रोनाइज का। जैसे सोर्स वन है उसके पास सिर्फ डी करेक्टर है जिसको ट्रांसमिट करना है, इसके पास तीन करेक्टर है सी 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 एट ए टाइम, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में सोर्स ए के पास सिर्फ डी करेक्टर है जिसको ट्रांसमिट करना चाहता है, टू के पास सी 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 है, थर्ड के पास बी है और फोर्थ सोर्स के पास ए। तो फर्स्ट फ्रेम क्या होगा मेरा, क्या कैरी करेगा डी सी बी ए। सेकंड में आ जाइए डी के पास कोई डाटा नहीं है नेक्स्ट रोटेशन के लिए, इसलिए एम्प्टी स्लॉट यानी ये टाइम लॉस हो गया मेरा। उसके बाद सी, उसके बाद बी नेक्स्ट हो गया, उसके बाद अगर आप बी उसके बाद आपका ये आ गया, उसके बाद क्या होगा डी या डी आया, डी के बाद बी का भी नहीं सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, उसके बाद बी तो डी और सॉरी सी ठीक है। तो पहले डी के लिए कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ सोर्स वन के लिए, सोर्स टू के लिए सी ट्रांसमिट हुआ, थ्री सोर्स के पास कोई डाटा नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए, ए के पास डाटा ट्रांसमिट करने, इसलिए इस केस में सिंक्रोनाइज में क्या होता है पूरा डाटा का यूटिलाइजेशन नहीं होता नहीं है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और यूटिलाइजेशन ऑफ लिंक कैपेसिटी दोनों क्या है लॉस हो जाता है इस केस में, इसलिए इसकी जगह पर हम लोग यूज करते हैं एसिंक्रोनाइज डाटा टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। अब एसिंक्रोनाइज टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में आप देखिए पहले से टाइम स्लॉट जो इनपुट सोर्स है उसको अलोकेट नहीं होगा जैसे सिंक्रोनाइज में किया जाता है, उसकी जगह पर इसमें टाइम स्लॉट अलोकेटेड उसी को किया जाएगा इनपुट सोर्स को जिसके पास डाटा है ट्रांसमिट करने के लिए। उसके बाद इट इज डायनेमिकली अलोकेट, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम स्लॉट है वो डायनेमिकली अलॉट होगा डिमांड पर, यानी जो इनपुट सोर्स है जो डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं उनका कितना डिमांड है उसके ऊपर होगा सेपरेट इनपुट होगी, इसलिए इसमें एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल कैपेसिटी और ट्रांसमिशन टाइम, टाइम लिखना भूल गए ट्रांसमिशन टाइम। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को राइट इसमें करना है, ये दोनों का जो डिफरेंस भी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, उसका दोनों का क्या डिफरेंसेस है, दो टाइप के होते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका भी सेम डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं, इसमें जो प्रीवियस एग्जाम्पल दिए थे अगर उसमें हम बनाएंगे तो आप देखिएगा इसमें अगर हम इसमें डाटा फ्रेम बनाते हैं इसमें तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें मान लेते हैं सपोज वही फोर इनपुट लाइन है सोर्स है, फोर है इसके पास ए ए ए है, इसके बाद बी बी है, इसके बाद सी 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 है ट्रांसमिट करने के लिए, इसके लिए ए। तो अगर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है इस लिंक पे, क्या है लिंक है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, डाटा लिंक है जो जो डाटा ट्रांसमिट, तो फर्स्ट फ्रेम देखिए अगर टाइम स्लॉट का ले लें तो चार स्लॉट इसमें है, एक फ्रेम में चार स्लॉट है, इनपुट लाइन चार है, इसलिए इसमें क्या होगा पहले ए फिर सी उसके बाद बी उसके बाद सॉरी गलती हो गई, सबसे पहले मेरा है यहां पर डी है,
सबसे पहले डी ट्रांसमिट हुआ पहला सोर्स से, दूसरा सोर्स से सी ट्रांसमिट हुआ, तीसरा से बी ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में ये भी चार स्लॉट है, इसमें डी के पाले कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्लॉट ब्लैंक हो जाएगा। अब इस जगह पर सी अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा, उसके बाद बी, उसके बाद फिर ए, फिर एक स्लॉट बचा हुआ है, तो इसमें अगेन क्या होगा, सी ट्रांसमिट करेगा, फिर नेक्स्ट चार का जो स्लॉट है तो इसमें देखिए आपके क्या क्या निकल गया है, आपका डी और बी निकल गया है। अब सी के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मेरा ए, अगर ए को मैं चार ले लेता हूं तो इसमें सी भी हो गया, अब सिर्फ ए बचा हुआ, तो इस स्लॉट में ए होगा ट्रांसमिट। इस तरह से मेरा क्या होगा, डाटा ट्रांसमिट होगा किसके थ्रू, आपका एसिंक्रोनाइजेशन। इसमें स्पेस को कोई भी टाइम स्लॉट भी वेस्टेड नहीं होगा और चैनल का कंप्लीट कैपेसिटी क्या होगा, यूटिलाइज होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रेम हो गया और ये क्या हो गया, इस फोर स्लॉट इसलिए बना है कि यहां पर क्या है, फोर सोर्स है जो अपने डाटा को क्या करना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है। तो ये मेरा सिंपल जो मैं डिस्कस किया हूं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का दो टेक्निक होते हैं, एसिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज, तो ये डिस्कस किया होता। नेक्स्ट अब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा स्विचिंग टेक्निक।